के नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। एंड बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आप कोई न्यू वीडियो अपडेट मिस ना करें। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल mbeautybeats। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि एलोवेरा हेयर मास्क यूज करके आप कैसे सॉफ्ट शाइनी एंड स्ट्रॉन्ग हेयर पा सकते हो। ये हेयर मास्क आपके बालों को लंबा करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि ये वाला हेयर मास्क हमको कैसे बनाना है। और वीडियो में जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ फेसबुक एंड व्हाट्सएप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इस हेयर पैक को बनाने के लिए हमको चाहिए कोकोनट ऑयल, विटामिन ई कैप्सूल्स एंड एलोवेरा जेल। मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ, आप नेचुरल एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हो। एलोवेरा में भरपूर मात्रा में विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हमारे बालों को सॉफ्ट बनाता है एंड बालों को लंबा करने में हेल्प करता है। बालों से इचीनेस एंड डैंड्रफ को दूर करने में भी ये हेल्प करता है। कोकोनट ऑयल में एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, ये हमारे हेयर को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है और हमारे हेयर को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है। अगर आपका हेयर रूखा और बेजान है तो विटामिन ई ऑयल आपके हेयर को सॉफ्ट शाइनी ग्लॉसी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा। अभी हम सारा इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं 3 टीस्पून कोकोनट ऑयल लूंगी, 1 टीस्पून एलोवेरा जेल ऐड करूंगी और मैं इवियन 400 जो विटामिन ई कैप्सूल होता है वो यूज करूंगी 2। अगर आपका हेयर लेंथ लंबा है तो आप सभी इंग्रेडिएंट्स दुगने मात्रा में यूज कीजिए। और ये विटामिन ई का कैप्सूल आपको केमिस्ट की शॉप में आसानी से मिल जाएगा। अच्छे से सब चीजों को मिक्स कर लिया है हमने और ये हेयर पैक जो है वो रेडी हो गया है। अभी हम इसको हेयर में अप्लाई करेंगे। आपको हेयर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके स्कैल्प में अच्छे से जो हेयर पैक है उसको अप्लाई करना पड़ेगा और फिंगर की हेल्प से अच्छे से पैक को मसाज कीजिए, क्योंकि मसाज करने से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है स्कैल्प का वो इंक्रीज होगा और इससे हेयर ग्रोथ अच्छा होगा। फिंगर टिप की हेल्प से आप हेयर को अच्छे से मसाज कीजिए। आप इस हेयर पैक को पूरी रात रख के नेक्स्ट दिन शैम्पू से वॉश कर सकते हो एंड कंडीशनर अप्लाई कर सकते हो, या फिर 2-3 घंटे बाद शैम्पू से वॉश कर लीजिए। तो 3 घंटे बाद मैंने अपने हेयर को शैम्पू से वॉश कर लिया है एंड कंडीशनर अप्लाई कर लिया है। ड्राई होने के बाद जो शाइन है वो आप मेरे हेयर में खुद ही देख सकते हो। दोस्तों, इस हेयर मास्क को
पहली बार आप जब यूज करोगे तभी आप एक विजिबल चेंज देख पाओगे अपने हेयर में. आप देखोगे कि आपका हेयर टेक्सचर बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया है, आपका हेयर जो है बहुत ही सॉफ्ट, शाइनी एंड ग्लॉसी हो गया है. और अगर आप इस हेयर मास्क को हफ्ते में एक से दो बार यूज करोगे तो आपका जो हेयर टेक्सचर होगा वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा. एंड रूखे सूखे बेजान जो बालों को आप बिल्कुल टाटा बाय बाय कर दोगे. तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा. तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. और दोस्तों, ब्यूटी रिलेटेड बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जाने से पहले जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिले. तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.